सो गाइस आज हम देखने वाले हैं, आज मैं देखने वाली हूँ कि जो हमारे फायर साइन है एरीज लियो सजिटेरियस, उनके जो दिवाली के बाद क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, क्या अपकमिंग वीक्स में क्या अपकमिंग डेज में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो गाइस लेट्स सी जो हमारे फायर साइन है एरीज लियो सजिटेरियस उनके में क्या चेंज आने वाले हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो मैं शफलिंग कर रही हूँ, आपको पॉजिटिव रहना है। देखती हूँ एरीज लियो से आज जो हमारे फायर साइन है उनकी लाइफ में दिवाली के बाद क्या चेंजेस आए हैं या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो मैं ये फॉर 3 डेज देखती हूँ, आने वाले 3 दिन। ओके, हॉस्टेलिटीज, फिफ्थ चक्रा, ओके, एज हीलर ऑफ द एजेस, एंड द बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव हैप्पी फैमिली। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, सो जो माय एरीज जो सैज है, मैं कलेक्टिव रीडिंग देख रही हूँ तो उनके जो अपकमिंग 3 डेज हैं वो कैसे होंगे। सो सबसे पहले हॉस्टेलिटीज, आपको गुस्सा कम करना है क्योंकि गुस्सा सब पे भारी होता है और वो विनाश का कारण होता है। गुस्सा कम करना है और कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलना है कि दूसरे को हर्ट कर जाए। ओके, जैसे यहाँ पे आया है फिफ्थ चक्र, डेफिनेटली आपको अपने जो ट्रॉट चक्र है, जो आपका फिफ्थ चक्र है, उस पर वर्क करना है। और आपके एंजल जो हैं गैब्रियल, वो तो आपके साथ हैं, आपको अपने फिफ्थ चक्र पे वर्क करना है। आप इसके जो सीट चैंट्स मंत्र होते हैं उसका आप उच्चारण कर सकते हो और आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है। गुस्सा, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको गुस्सा नहीं करना है, अच्छा बोलना है, अपने गले का ख्याल रखना है, जो भी आपके शब्द निकल रहे हैं उसका ख्याल रखना है। ये सब करोगे तो डेफिनेटली आप हीलर हो, आप बहुत से लोगों को हील कर सकते हो। लेकिन कहते नहीं कि मुंह से निकले शब्द, तो हो सकता है कुछ मुंह से निकले शब्द आपके हील भी कर जाएं लोगों को और कुछ उनके वुंड्स भी हरे कर जाएं। तो वो नहीं आपको करना है, आपको हीलर बनना है। तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, आपको एक हीलर बनना है। जब आप ये सारा प्रोसेस करोगे तो आप हील करोगे, और जब हील करोगे तो हैप्पी फैमिली, फैमिली भी खुश, आप भी खुश और आपके आसपास के लोग भी खुश। ओके गाइस, मैं मेजर कारण देख रही थी आपके आने वाले 3 दिनों में क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ओके, टेम्परेंस, जैसे मैंने बोला आपको बैलेंस बना के रखना है, आपका बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। जब आप बैलेंस बिगड़ के रखोगे ना तो हैप्पी फैमिली दर्शन आपके पास सक्सेस आती दिख रही है, डेफिनेटली सब पॉजिटिव होगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी बैलेंस नहीं खोना है, अपना आपा नहीं खोना है अपना, आपको अपनी लिमिट्स में रहना है, कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे आपका जो बना बनाया बैलेंस है ना वो बिगड़ जाए, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। मोटिवेशन देख लेते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या है इन आने वाले 3 दिनों में। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं एरीज लियो सैज,
वो इस बात का ध्यान रखे कि जो दिवाली तो चली गई लेकिन अब दोबारा काम पे लग जाओ, लेकिन आराम से, कोई गुस्सा उस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मोटिवेशन है, इफ़ योर शिप डजंट कम इन स्विफ्ट कट टू इट। Squeeze all the juice out of today. On the bottom of the deck say we have keep calm and seize the day. तो जैसे यहाँ पे आपको मीनिंग सब समझ में आ ही रहेंगे, आपको काम रखना है, ठीक है ना, आपको पूरी मेहनत करनी है, जिसमें वर्क आप हार्ड वर्क दे रहे हो वो आपको करना है, करते रहना है, और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है ना, मंजिल तो आपके पास चल के आएगी ना, आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है। सो जो पूरा जो एक रीडिंग ऑफ द डे मैं कहूँगी कलेक्टिव जो करके आ रही है, वो यही है कि आपको बैलेंस बना के रखना है, हार्डवर्क करते रहना है। हार्डवर्क करोगे बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आप हीलर बनोगे। लेकिन अगर आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, मगर खुद पे भी कंट्रोल होना चाहिए, आपको अपनी बॉडी पे, आपको अपनी वॉइस पे कंट्रोल करना है। फिफ्थ चक्र मेडिटेशन करते रहो, बैलेंस बना के रखो, थर्ड चक्र पे वर्क करते रहो, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत निकलने दो, जैसे आपकी फैमिली में नाराज़ हो जाओ, ये जो सन है ना वो फिर निकले ना। ओके गाइज, सो गाइज दिस इज़ द रीडिंग ऑफ द फायर साइन एरीज लियो सैज। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपको अगर रीडिंग रिजोनेट करती तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, कीप सेफ, कीप हेल्दी, बाय बाय।